हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस दोनों बल्ब को रिपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा लाइट है, बाकी बार लाइट नहीं है। और इसको अब देखते हैं। तो इसमें देखिए हल्का सा लाइट तेज हुआ और फिर बंद हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले हम इसका ढक्कन को खोल लेते हैं ऊपर का, इसको डिफ्यूजर कहा जाता है। और इस वाले बल्ब का भी खोल लेते हैं। तो ये दोनों खुल गया। और अब जो है इसका फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बल्ब लगा लेना है और इसका हर एक बल्ब को एक एक करके शॉर्ट करके देखना है। कहीं इसका कोई बल्ब तो खराब नहीं है, क्योंकि अगर बल्ब खराब हो जाता है तो इसके वजह से भी लाइट कम आता है। और अगर इसके ड्राइवर में कैपेसिटर फॉल्ट होता है जिससे कि वोल्टेज वीक बनता है, तो उसके वजह से भी ये लाइट कम करता है। तो पहले हम एक एक बल्ब को चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये बल्ब शॉर्ट करने के बाद ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है, यानी कि इसका ये जो बल्ब है ये खराब हो चुका है। तो हम इस बल्ब को यहाँ से हटा लेते हैं। तो ये हट गया और अब हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें भी एक एक करके हमें बल्ब को चेक करना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका भी एक ये बल्ब खराब है जिसके वजह से ये पूरी बल्ब जो है बंद हो चुका है। तो इसको यहां से हटा लेते हैं और अब इस बल्ब को पहले रिपेयर करते हैं। तो इसमें हम एक प्रोटेक्शन लगाएंगे जिससे कि ये बल्ब जो है जल्दी खराब नहीं होगा, नहीं तो ये बल्ब आसानी से तुरंत खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक प्रोटेक्शन लगाते हैं। तो आप हमारे वीडियो तक लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले इसको हम यहाँ से अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो ये देखिए, यहाँ से हट चुका है। और अब इस पर थोड़ा सा हम सोल्डरिंग लगा लेते हैं जिससे कि इसका लाइनिंग जो है वो क्लियर हो जाए और क्लियर दिखाई दे। और अब लेना ऑप्शन से कि रजिस्टर। तो इस रजिस्टर का जो वैल्यू है वो 68 ओम है और 1 वाट का रजिस्टर है। तो हम इसको इसमें इस तरह से लगाएंगे। और अब इसका जो एक वायर है इस साइड हमें लगा लेना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे लग गया। और अब इसको जो इस तरह से होल्ड कर लेना है। और अब हमें एक दूसरा रजिस्टर लेना है जो कि सेम वैल्यू है 68 ओम और 1 वाट का। तो इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा वायर को कट कर लेना है। तो इसका थोड़ा सा वायर यहाँ पे हम कट कर लेते हैं दोनों साइड। रुको जरा, सबर करो। और इसको यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। तो ये यहाँ पे लग गया। अब एक और ये किट लेना है जो कि एमओवी बोलते हैं इसको। तो इसका एक लेग जो है छोटा कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक लेग ये लगेगा, और नहीं तो फिर डायरेक्ट हम यहाँ पे इस तरह से लगा लेते हैं। और ये दूसरा लेग जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लग जाएगा इस तरह से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ठार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लग चुका है। और अब हम इसको जलाकर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये बल्ब जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। और अभी इसका जो वैल्यू है तो ये 8.4 वाट ले रहा है, यानी कि ये 9 वाट का बल्ब है और 8.4 ले रहा है, यानी कि ये जो बल्ब है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। शाबाश बेटा। तो अब हम दूसरा बल्ब देखते हैं इसमें। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम था फ्रेंड्स बल्ब का। तो यही रूल इसमें भी फॉलो करेंगे और देखते हैं कि इसका वाट कितना आता है। तो फटाफट से इसको हम पहले यहां से हटा लेते हैं। और ये रजिस्टर लेना है और इस रजिस्टर को यहाँ पे लगाना है। तो इसका वैल्यू जो है हम पहले बता चुके हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये यहाँ पे लग गया और इसको इस तरह से होल्ड कर लेना है। और अब एक ये रजिस्टर लेना है, इसको थोड़ा सा हम कट कर लेते हैं जैसा कि इसके पहले वाले में कट किए थे। और इसको भी यहाँ पे इस तरह से फिट करना है।
तो यहाँ लग गया ऑप्शंस। और अब जो है ये एमओवी लेना है और इसको एक वाई जो है प्लस वाले पॉइंट पे लगा लेना है इस तरह से। और दूसरा वाई जो ऑप्शंस यहाँ पे इस तरह से इसको लगा लेना है और लगाने के बाद इसको सोल्डिंग कर लेनी है। तो ये देखिए ऑप्शंस ये लग गया और अब इसको यहाँ पे होल्ड कर लेना है जिससे कि इसमें कवर आसानी से लग जाए। तो अब देखिए ये बल्ब जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? 8.8 वाट ये ले रहा है और ये 9 वाट का बल्ब है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बता दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।